एंड एक्शन। तुम्हें पता है लाहौर में जो ऑटो चल रहे हैं वो एकदम दिल्ली जैसे हैं, और तुम्हें पता है यहाँ के सारे मार्केट से लाहौर जैसे लाहौर में कोई फर्क है। मुझसे प्यार करती हो? बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मुझ पर भरोसा है? बेपनाह। मेरे साथ चल सकती हो? बेपरवाह। तो बस डोली उठने की देर है। Sorry. I have to say it again. The thing is that he contacted me because we knew each other from before, and he'd auditioned already 6 girls. I'm playing Daijan, who's a 60-65 year old lady who has a lost love back in India, and she's from Lahore in Pakistan, and she has unrequited love, or wo bahut dharmik tarah ki insaan hai. और रियाज जो हीरो है इस प्रोडक्शन का, उसे पाल पोस के बड़ा किया है। द रिहर्सल्स वर ग्रेट फन। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक टीम ऑफ यंग पीपल एंड आई एम द ओल्डेस्ट, सो इट्स इवन मोर फन बिकॉज आई गेट टू फील यंग अगेन। आई थिंक मनिल इज़ अ वेरी वेरी पैशनेट गाय। ही हैज़ अ लॉट ऑफ कन्विक्शन इन व्हाट ही डज एंड ही बिलीव्स इन हिज प्रोडक्शन एंड हिज कैरेक्टर्स। क्या बोलना है, कुछ बोलते ही चले जाना है। सी मनिल इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड वी हैव बीन इन टच एंड आई हैव सीन अ फ्यू ऑफ हिज थिएटर, सो आई वाज प्रीटी इंप्रेस्ड। नहीं यार फिर से पूछ लो। द इंटरेक्शन विद द थिएटर पीपल वाज ऑलवेज इज ऑलवेज नाइस। इट इज समथिंग एक्साइटिंग एंड नाइस टू वर्क विद सच यंग एनर्जीज ऑल अराउंड एंड इट्स वेरी एनर्जेटिक, इट्स वेरी फ्रेंडली। सॉरी मुझे नहीं आता यार। अच्छा ओके, मुझे पता ही नहीं है। कोई बात नहीं यार, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। आई कांट डू दिस यार, आई एम रियली नॉट इनटू दिस। ओके इट्स नाइस टू वर्क इन द प्ले। यार क्या करवा रहा है, आई एम लर्निंग एक्टिंग, सो आई रियली आई एम ट्राइंग टू डू अ बिट विच इज समथिंग न्यू फॉर मी एंड इट इज समथिंग विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। पाकिस्तान इज रियली क्लोज टू माई हार्ट। वेल येस, इट्स beautiful love love kind of a story which I really like. All romantic dramas are beautiful to see and work into. Card dena yaar mera. Well I am a bit confused about the director. Chale Khushfahmiya 2 और खुशफहमिया 2 की जब मुझे मनिल मयंक मिश्रा जी ने स्क्रिप्ट दी थी तो मुझे लग रहा था कि इस बार कुछ नया होगा, लेकिन उससे भी कुछ नया निकला। मेरा कैरेक्टर इसमें एक 70 ईयर ओल्ड गाय का है जो साइकिल रिपेयर करता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे पास मेरे लिए वो था। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज वो था कि वो पाकिस्तानी गाय है, मतलब उसकी उर्दू, उसके तलफ्फुज बहुत अच्छे होने चाहिए। तो ये दोनों चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और सर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है और वो हमेशा की तरह बहुत अपने आर्टिस्ट को आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है। दो मुल्कों की कहानी है, दो मुल्कों में अलग अलग जोड़ी रहती हैं प्रेम करने वाले लोग, और कैसे उस कंट्री से इधर आते हैं और एक दूसरे को उनको फर्स्ट साइट में लव हो जाता है और किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स को फेसेस करते हैं। जो गाय है वो पहले से मैरिड है, बहुत सारी जो कल्चर होता है पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, वो इसमें बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो खुशफहमिया 2 इज़ बेटर देन, समवट बेटर देन खुशफहमिया 1। मैं रिहर्सल में मज़ा इसलिए आ रहा है कि मेरा कैरेक्टर तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन हमारे जो लीड एक्टर हैं मनिल मयंक मिश्रा, जो डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, उनको प्रॉक्सी भी करता हूँ मैं। तो मेरे लिए दो कैरेक्टर एक साथ करना बहुत मज़ा आ रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि काश मैं रियाज मलिक होता तो कितना अच्छा होता। तो देखिए खुशफहमिया 2। एक बात बताइए हजरात, ये सारा मोहब्बतों के मुल्क में सिक्के भी कांच के क्यों चलते हैं? डोंट लुक एट मी। ओके ओके नाउ इट्स मी राधा भट्ट। मैं पूरी चौड़ में आ जाती हूँ। ओके सो बेगम चांदनी निगार खान, शी इज अ लेडी फ्रॉम पाकिस्तान एंड वाइफ ऑफ रियाज मलिक, एंड जो उसका हस्बैंड है ही इज गोइंग फॉर अनदर वुमन, सो हाउ शी रिएक्ट्स, शी इज अ वेरी subtle lady, well educated, she's a lecturer, researcher in Lahore University, so the kind of character, very subtle, very controlled,
lady she is, which is very opposite to me. Very opposite to me. I'm like very controlled, you know, very open, mast bandi. आजकल की जनरेशन हम इंग्लिश वाले लोग हैं सो उर्दू के इतने इतने भारी भारी वर्ड्स यूज़ करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए सो जो वर्ड्स के ऊपर जो कंट्रोल है उसका लैंग्वेज के ऊपर इट हैज़ टू बी वेरी गुड बिकॉज शी इज़ वेल एजुकेटेड एंड द काइंड ऑफ बैकग्राउंड शी कम्स फ्रॉम सो ख सो देयर लॉट ऑफ वर्ड्स आई हैव टू वर्क ऑन एंड ऐसे मेरे मेट्रो में चलते चलते बस ख ख ख एंड मेरे आसपास के लोग भी जो है लाइक क्या हो रहा है ख ख आई एम प्रैक्टिसिंग ईच एंड एवरी टाइम कुछ कुछ चीज़ें मुझे लगी कि नो बिकॉज मनिल मयंक मिश्रा ने लिखी है ये कहानी सो इट हैज़ टू बी वेरी स्पेशल सो जो चीज़ें होंगी वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होंगी मनिल मयंक मिश्रा का जो पूरा जो स्टोरी होता है दैट्स अ प्रॉपर बॉलीवुड मसाला यहाँ से लड़की आएगी वहाँ से लड़का आएगा मिलेंगे प्यार होगा ये होगा वो होगा पूरा एक्शन रिएक्शन दिस इज द ट्रिब्यूट टू मनिल मयंक मिश्रा अब सही है ओके हैरी पॉटर मनिल ऐसे डायरेक्टर हैं जो आपके अंदर से एज एक एक्टर को निकालने का पूरा यू नो काम करते हैं एंड दैट्स अ क्वालिटी ऑफ अ डायरेक्टर आई वुड से मुझे ना कभी कभी लगता है कि ये ना मेरी और रियाज की लव स्टोरी नहीं है ये मेरी और शिकंदा की लव स्टोरी है दाईजान बेवफाई कितनी ही मासूमियत के साथ मखमल के लिहाफ में पोशीदा करके मुबारकबाद के साथ ही क्यों ना दी जाए पर रहती तो वो बेवफा ही है ना ओह माय गॉड कैन आई शूट माय सेल्फ लाइक दैट्स इट आई डोंट नो व्हाट टू टॉक मैन शिट क्या हो रहा है क्या लेकर आए हो यार ओह शिट पहली वाली खुशफहमियां आई वांटेड टू डू बट बिकॉज ऑफ सम वर्क कंस्ट्रेंट्स आई कुड नॉट आई एम अ परफेक्शनिस्ट बाय नेचर सो आई नीड एवरीथिंग प्रिम प्रॉपर श्रीगंधा वर्ड्स जितना मैंने परसीव किया है शी इज़ अ वेरी बबली एंड अ वेरी जोवियल पर्सन ऑन दैट लेवल आई रियली कनेक्ट श्रीगंधा इज़ वेरी इम्पल्सिव एंड शी इज़ वेरी इंस्टिंक्ट एज लाइक ड्रिवन मनिल हैज़ बीन काइंड टू गिव मी द मोस्ट सिंपलेस्ट कैरेक्टर बिकॉज आई कैन रिलेट टू इट स्टोरी इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल आई रियली लाइक्ड इट उसके डायलॉग्स आर अमेजिंग ही एज अ डायरेक्टर एंड अ राइटर ही हैज डन एन अमेजिंग जॉब ट्रस्ट मी drama and there's this love and there's this longing of love and then this comedy so I think it is a very nice story normally in rehearsals because Manil has to see how I am performing so he's not a part of it he like Rishi or jitne bhi hai ye log sare proxy karte hain and I cannot connect to them so whenever Manil ke saath mera कोई भी छोटा से छोटा सीन होता है कनेक्ट ऑन दैट लेवल हील से तुम कुछ भी बोलो उसके बोले आई बॉस तूने क्या बोला ही इंटिमिडेट अ लॉट मनिल हैज अ हैबिट टू स्टॉक पीपल स्पेशली ब्यूटीफुल लेडीज सेज ही स्टॉक मी एज अ डायरेक्टर यस ही इज वेरी नाइस आई फील दैट आई अगर मैंने कहीं पे भी एज एन एक्टर एक्ट किया है इट्स जस्ट बिकॉज हिम तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना क्यों 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 ऐसा होता है कि प्यार में इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है क्यों ऐसा है कि कुछ सवालों के जवाब देना लाजिमी है क्यों ऐसा है कि प्यार को दुनिया के सामने वजूद का सबूत देना पड़ता है क्यों ये सारी चीजें हैं क्यों प्यार में सही और गलत है क्यों प्यार सिर्फ प्यार क्यों नहीं है मेरा ऐसा यकीन है कि मैं बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ मैं लोगों को देखता हूँ मेरी खुद की लाइफ बहुत इवेंटफुल रहती है कुछ चीज़ें मेरी ज़िंदगी में होती हैं और कुछ चीज़ें मैं होने देता हूँ मेरी दोस्तों की ज़िंदगी भी ऐसी है तो उससे कुछ उठा के कुछ किताबें पढ़ के कुछ फिल्में देख के मैं यूं करके हिलाता हूँ और एक स्क्रिप्ट निकल के आ जाती है इट हैज़ ऑलवेज बीन अ वुमन सेंट्रिक प्ले ये श्रीगंधा की कहानी है और ये बहुत अच्छी बात है कि खुशफहमियाँ 2 में मुझे एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस मिली कुंतल के रूप में कुंतल इज़ वेरी डेडिकेटेड वेरी पैशनेट और उनकी बहुत अच्छी आदत है कि वो आगे बढ़ के एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना जानती हैं तो व्हेन यू वर्क विद एक्टर्स एंड को एक्टर्स वो नॉट ओनली ब्यूटीफुल एक्टर्स बट ऑल्सो ब्यूटीफुल पीपल बाय हार्ट द प्रोडक्शन डज नॉट रिमेन अ प्रोडक्शन इट बिकम्स अ फैमिली एंड सेलिब्रेशन तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर खुशफहमियाँ जो हमने पहले किया था अगस्त और अक्टूबर में उसमें अगर श्रीगंधा के किरदार से आपको प्यार था
तो मेरा दावा है कि खुशफहमिया 2 की श्रीगंधा से आप प्यार तो करेंगे ही, उसके बाद उसकी इज्जत भी करेंगे। शायद ऐसा वक्त कभी आएगा कि ब्रिटेन के अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह मैं सिर्फ अपने दिमाग में एक ऑर्गेनाइजेशन लेके जाऊंगा और मेरे एक्टर्स इतने फॉर्चुनेट और इतने परफेक्ट होंगे कि वो समझ लेंगे कि उनका डायरेक्टर उनसे क्या चाहता है। ऋषि ने क्योंकि को एक दूसरा मकाम दिया है क्योंकि ऋषि ऑलरेडी खुशफहमिया में क्योंकि प्ले कर चुके थे। मेरे साथ राधा है, राधा इज ऑलवेज बीन अ डार्लिंग। राधा के साथ एक सबसे अच्छी बात है कि वो स्क्रिप्ट की जो सबटेक्स्ट है उसका जो एक लेटेंट उसका जो फीलिंग है उसे बहुत अच्छा समझती हैं। हमने एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया दाईजां का, जो लाहौर की हैं, जो रिलीजियस हैं, जो कमिटेड हैं अपने बच्चे की परवरिश को लेके और बहुत सैक्रोसैंक्ट फीमेल कैरेक्टर है। फिर देन जैसा पाउलो कोएलो ने द अल्केमिस्ट में बोला है कि कभी कभी आप किसी फॉर्च्यून को बाहर दुनिया में ढूंढने निकलते हैं और वो आपके घर में ही होता है, तो अचानक से मुझे ध्यान आया कि प्रीति को क्यों ना पूछा जाए। जो सटिलिटी चाहिए थी, जो डेप्थ चाहिए थी, या जो हमें एक बेसिक इमोशनल जो सब्सटेंस चाहिए था, वो प्रीति ने 2 दिन में रिहर्सल्स के हमें दिया। उसके अलावा हमारे साथ धीरेंद्र सर जुड़े हैं। धीरेंद्र सर एक्स कैप्टन विश्वास कपूर का कैरेक्टर कर रहे हैं, बहुत सीनियर थिएटर आर्टिस्ट हैं, दिल्ली थिएटर सर्किट के काफ़ी नाटकों में काम कर चुके हैं, शूट्स कर चुके हैं, वीडियोस किए हैं उन्होंने। जहाँ तक मेरे कैरेक्टर की बात है, जो रियाज मलिक का कैरेक्टर है, मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही हैं। I am proud of the fact that I still possess the small town mentality because I am from Uttar Pradesh basically, and having lived in Delhi for almost 30 years, I still don't feel like a Delhiite. दिल्ली ने मुझे बहुत कुछ दिया है, एजुकेशन दिया है, सब कुछ दिया है, बट डीप डाउन यू बेसिकली थिंक लाइक अ स्मॉल टाउन बॉय। और रियाज मलिक भी ऐसे ही है। हम दोनों वी डोंट सी द करेक्टनेस और लॉजिक बिहाइंड लव, वी जस्ट फॉल इन लव बिकॉज इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन। तो हमें लगता है कि अगर मोहब्बत है तो उसे लेके जाओ। जो प्रैक्टिकलिटी लगाते हैं या जिनमें यथार्थ जो ढूंढते हैं, शायद उनके लिए प्यार नहीं बना। तो मुझे कैरेक्टर के साथ एसोसिएट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात इसलिए नहीं हुई क्योंकि करीब करीब रियाज मलिक जैसा ही मैं हूँ। रिहर्सल्स में हम जो कुछ करते हैं वो बहुत फन होता है, मैं बहुत सारी कॉफ़ी पीता हूँ। कुंतल हैज़ ऑलवेज बीन श्रीगंधा ऑफ दी रिहर्सल्स ऑल्सो, बहुत सारा खाने को लाती हैं और क्योंकि मैं दिल्ली में अकेला रहता हूँ, मेरी मेड वही बनाती है जो बनाना जानती है, तो मैं कुंतल का बहुत सारा खाना खा लेता हूँ। तो शी इज़ वेरी केयरिंग टूवर्ड्स एवरीबॉडी और वो सच मायनों में श्रीगंधा है। तो आई पर से फील दैट यू नो इट लुक्स लाइक रिहर्सल्स अपेरेंटली, बट वी डोंट डू रिहर्सल्स, वी डोंट डू थिएटर शोज और समथिंग, वी जस्ट मेक फैमिलीज एंड सेलिब्रेशंस, एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल एस्पेक्ट। और एक चीज़ जिसका मुझे अपने ग्रुप पर नाज है, जो फ़क्र है, कि मैं दूसरों की हम एज अ ग्रुप यानी हम एज अ फैमिली, हम दूसरों की तरह शेक्सपियर मॉलियर या मंटो नहीं उठाते, हम अपनी कहानियाँ खुद करते हैं, 2 से 2.5 महीने का टाइम लेते हैं, लेकिन हम अपना कुछ लेके आते हैं जो लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। और इसके साथ ही मैं पुरानी खुशफहमिया की टीम को बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड के साथ थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से हमारे अंदर इतनी काबिलियत आई, आई कुड बिकम दैट कॉम्पिटेंट दैट आई कुड राइट खुशफहमिया 2। सो थैंक यू वेरी मच टीम फ्रॉम खुशफहमिया। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो देखिए खुशफहमिया 2, और अगर आप किसी से प्यार नहीं करते तो जरूर देखिए खुशफहमिया 2। कम फॉल इन लव दिस वैलेंटाइन्स। 14th February 8:30 PM at Akshar Theatres। खुशफहमिया 2, प्लीज कम। दाई जागा, खुदा हाफिज़।